नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी एंड क्विक बनने वाली फूल गोभी की एक रेसिपी। इसकी क्रीमी टेक्सचर और चीजी एंड बटरी फ्लेवर मन को मोह लेती है। इसके टेस्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप इसे खुद घर में बनाइए और इसे फील कीजिए। यह है मैश कॉलीफ्लावर। इसे आप ब्रेड में लगा के सैंडविच जैसा सर्व कीजिए, अच्छा लगेगा। तो चलिए मैश कॉलीफ्लावर बनाना शुरू करते हैं। मैश फूलगोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ बड़ा फूलगोभी का हाफ पोर्शन लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फूलगोभी लीजिए। इसे पहले हम नमक पानी में ब्लांच कर लेंगे। फूलगोभी ब्लांच करने के लिए पानी चला दिया है गैस में। इसमें डालते हैं नमक और फूलगोभी। इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे ब्लांच होने के लिए। फूलगोभी ब्लांच होते हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसे स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। अब इसका सारा पानी निकलने देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इस फूलगोभी को स्ट्रेनर से इस बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। फूलगोभी को अब हम सौते करेंगे, इसलिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड लहसुन और 1 बड़ा प्याज छोटा छोटा पीस किया हुआ। फूलगोभी को सौते करने के लिए पैन चला दिया है गैस में। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो बटर से भी कर सकते हैं, मुझे लगता है बटर हर घर में अवेलेबल होता है। ऑलिव ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसलिए अब हम इसमें डालते हैं लहसुन। इन्हें अब हम 30 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। प्याज और लहसुन सौते होते हुए 30 सेकेंड हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं फूलगोभी। फूलगोभी को हम सौते करेंगे 10 इसका पानी सूखने तक। आप मैश पोटैटो तो खाए होंगे, लेकिन एक बार मैश फूलगोभी भी ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा। फूलगोभी का पानी सूख गया है, अब हम गैस बंद कर लेंगे। हमें फूलगोभी को फ्राई नहीं करना है, जस्ट सौते ही करना है। सौते किया हुआ फूलगोभी को हम इस बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे मैश करेंगे। इसे अब हम पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। मैश किया हुआ फूलगोभी को ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के फाइन पेस्ट बनाएंगे। मैश किया हुआ फूलगोभी में मिलाएंगे रोजमेरी, थाइम, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए। थाइम और रोजमेरी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। फूलगोभी का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून हैंग कर्ड। इसकी जगह आप सावर क्रीम भी यूज कर सकते हैं और प्रोसेस चीज। इन्हें अब हम मिक्स कर लेते हैं। मैश कॉलीफ्लावर रेडी हो गया है, अब इसे सर्व करते हैं। अब हम इसे गार्निश करते हैं थोड़ा सा बटर, ऑलिव ऑयल और ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा सा थाइम। मैश कॉलीफ्लावर मैंने सर्व कर लिया है। इसे आप एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेड में डाल के सैंडविच बना के भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।